दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ऋषिकेश के 15 मुख्य स्थानों के बारे में जानकारी दूंगा। आने वाले दिनों में अगर आप ऋषिकेश की यात्रा करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि ऋषिकेश में कौन सी जगह पर घूमें और ये जगह कहाँ पड़ेगी, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। ऋषिकेश के सबसे प्रसिद्ध जो 15 स्थान है उनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा और इन स्थानों तक कैसे पहुंचा जाए इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, खास होगी, क्योंकि ऋषिकेश बहुत सारे लोग आते हैं और उन्हें जब ये पता लगेगा कि ऋषिकेश के ये प्रसिद्ध 15 स्थान है तो आप आसानी से इन जगह पर जाकर दर्शन कर पाएंगे और जो एडवेंचर वाली जगह है वहाँ पर आप इंजॉय कर पाएंगे। इसमें आपको मंदिर भी मिलेंगे, कुछ ऐसे दर्शन मिलेंगे, एडवेंचर वाले पॉइंट मिलेंगे, तो आपके लिए कुल मिलाकर एक पूरा पैकेज रहेगा ऋषिकेश यात्रा के लिए। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर कोई भी जगह छूट गई तो फिर आप सोचेंगे कि ऋषिकेश की यात्रा में ये जगह तो हमें पता ही नहीं थी। तो पूरा देखें और मुझे विश्वास है कि अगर आप इन 15 जगहों को देख लेंगे तो ऋषिकेश की यात्रा जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है मुकेश, आप सभी देख रहे हैं मुकेश हेल्प। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, जब ऋषिकेश की बात आती है तो सबसे पहले माइंड में यही आता है कि राम झूला। तो राम झूला नंबर वन में रखा है हमने। राम झूला जाइए, दर्शन करिए, राम झूला में आप चलकर देखिए। राम झूला आपको थोड़ा सा मूव करता हुआ नज़र आएगा, थोड़ा हिलता डुलता नज़र आएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और राम झूला जो है मेन जगह पर है। जब आप हरिद्वार से जाएंगे तो जहाँ पर विक्रम ऑटो का स्टैंड है वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में राम झूला है, आप वहाँ पहुँच कर आराम से दर्शन कर सकते हैं। दूसरा नंबर जो आता है वो लक्ष्मण झूला का आता है। लक्ष्मण झूला अभी बंद चल रहा है, लेकिन लक्ष्मण झूला की जो प्रसिद्धि है वो कम नहीं हुई है। अभी भी बहुत सारे लोग लक्ष्मण झूला को देखना चाहते हैं। लक्ष्मण झूला जो है राम झूला से 2 किलोमीटर है। अगर आप राम झूला पार करके पैदल वाले ट्रैक से जाएंगे तो 2 किलोमीटर है। अगर आप पार्किंग की तरफ से आएंगे और मेन रोड से लक्ष्मण झूला की तरफ जाएंगे तो शायद 2.5 से 3 किलोमीटर पड़ सकता है। तो लक्ष्मण झूला जाइए, ये दूसरे नंबर पर मैंने रखा है। थर्ड जानकी झूला। जानकी झूला को बने हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं या 4 साल हो चुके हैं। जानकी झूला बहुत मजबूत झूला पुल है। यहाँ से 3 ट्रैक हैं, इसमें काफ़ी अच्छा लगता है। पैदल चलने वालों के लिए अलग रास्ता है, बीच वाला रास्ता, बाइक के लिए आने जाने के लिए अलग अलग मार्ग है। और ये जो झूला है राम झूला और लक्ष्मण झूला से काफ़ी बड़ा है। मुनि की रेती से जब आप राम झूला की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले जानकी झूला आता है, दाहिने हाथ में पड़ता है। और जब से जानकी झूला बना है ज़्यादातर लोग यहीं से गंगा जी को पार करते हैं। चौथे नंबर में आता है नीलकंठ महादेव मंदिर। ऋषिकेश का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और हम ये भी कहें कि भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। नीलकंठ मंदिर अपने आप में एक बहुत ही पौराणिक महत्व रखता है और ऋषिकेश जब लोग आते हैं तो नीलकंठ मंदिर जरूर जाते हैं। नीलकंठ मंदिर जो है राम झूला से लगभग 22 से 24 किलोमीटर है। आप जीप के द्वारा जा सकते हैं। राम झूला पार करने के बाद आपको जीप की सुविधा मिलेगी, 200 रुपये पर पर्सन आना और जाना किराया है, तो आप वहां पर पहुंच सकते हैं। उसके बाद आता है 5 नंबर में भरत मंदिर। भरत मंदिर खास इसलिए है क्योंकि ऋषिकेश का जो इतिहास है वो भरत मंदिर से जुड़ा हुआ है। और भरत मंदिर जो है त्रिवेणी घाट के पास पड़ता है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, तो भरत मंदिर में आप जरूर जाएं। 6 नंबर में त्रिवेणी घाट आता है। त्रिवेणी घाट बहुत सुंदर घाट है। यहाँ पर गंगा जी की आरती ज़रूर देखें, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और त्रिवेणी घाट जो है मैंने इसको 6 नंबर पर रखा है। 7 नंबर पर है परमार्थ निकेतन घाट। ऋषिकेश की सबसे अच्छी गंगा आरती त्रिवेणी घाट में होती है या परमार्थ निकेतन घाट में होती है।
कौन से घाट में गंगा आरती अच्छी होती है ये तो आप ही कमेंट करके हमें बताएंगे। हमें तो दोनों जगह की गंगा आरती बहुत अच्छी लगती है। तो सातवें नंबर में है परमार्थ निकेतन घाट, यहाँ जब जाइए तो गंगा आरती ज़रूर देखिए। आठवें नंबर पर है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, और त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है 11 मंजिल का मंदिर है जो कि लक्ष्मण झूला के बिल्कुल सामने पड़ता है। और इस मंदिर में जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो एरिया कम होता जाएगा, लेकिन ऋषिकेश के जो व्यू हैं वो बहुत अच्छे से दिखेंगे। नौ नंबर पे आता है भूतनाथ मंदिर। भूतनाथ मंदिर जो है जब आप नीलकंठ मंदिर पैदल वाले रास्ते में जाएंगे तो वहाँ पर भूतनाथ मंदिर मिलता है। ये मंदिर जो है ये भी 12 या 13 मंजिल का मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। भगवान भोलेनाथ की बारात जब हिमालय से हरिद्वार कनखल के लिए आ रही थी तो एक रात्रि का विश्राम हुआ था यहाँ पर। तो आप अगर आप भूतनाथ मंदिर जाना चाहते हैं तो जानकी झूला पार करने के बाद आप पैदल भी भूतनाथ मंदिर तक आसानी से पहुँच सकते हैं। उसके बाद 84 कुटिया आती है, एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। 84 कुटिया जो है जानकी झूला पार करने के बाद दाहिने हाथ मुड़ना होता है। अगर गंगा जी का बहाव कम है तो आप आसानी से 84 कुटिया तक पैदल पहुंच सकते हैं। अगर गंगा जी का बहाव तेज़ है तो फिर आपको नीलकंठ मंदिर वाले रास्ते से होते हुए 84 कुटिया तक पहुंचना होगा। 11वें नंबर पर जो जगह आती है वो है वीरभद्र मंदिर। वीरभद्र मंदिर जो है एक पौराणिक महत्व रखता है। कहते हैं कि जब माता सती ने अपना शरीर कनखल हरिद्वार में त्याग दिया था तो भोलेनाथ बहुत ही क्रोधित हुए थे। उन्होंने अपने जटाओं को तोड़कर वीरभद्र की उत्पत्ति की थी, और वीरभद्र ने राजा जो दक्ष थे उनका सर काट दिया था। तो वीरभद्र की उत्पत्ति जहां पर हुई थी वो जगह है ऋषिकेश वीरभद्र मंदिर। और वीरभद्र मंदिर जो है वो एम्स के पास पड़ता है, एम्स हॉस्पिटल है वहीं पास में ही ये मंदिर पड़ता है, तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। दोस्तों कैसी लग रही है आज की वीडियो? मंदिर तो बहुत दिखा दिए, घाट भी दिखा दिया, अब हम एडवेंचर के जो शौकीन लोग हैं जो कि वाटरफॉल देखना चाहते हैं, कुछ ट्रैकिंग करना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ हमने पॉइंट जो मेन स्थान है ऋषिकेश के वो लाता हूँ तो आपको हम बताएंगे। तो 12 नंबर में आता है नीर वाटरफॉल। नीर वाटरफॉल जो है ऋषिकेश से जब 5-6 किलोमीटर आप मेन हाईवे से बद्रीनाथ धाम की तरफ चलेंगे तो वहीं पर एक पॉइंट आता है, जो एक रास्ता आता है जो नीर वाटरफॉल के लिए जाता है। वहां पर आपको 1 किलोमीटर या 800 मीटर पैदल चलना होगा। अगर आपकी कार है तो बाइक है तो आप नीर वाटरफॉल के पास तक पहुंच सकते हैं। बहुत ही अच्छा वाटरफॉल है, बहुत सारे लोग आते हैं। उसके बाद 13 नंबर में आता है पटना वाटरफॉल। पटना वाटरफॉल जो है गरुड़ चट्टी से जब आप नीलकंठ मंदिर के लिए चलते हैं तो नीलकंठ महादेव मंदिर वाले मार्ग में ही ये मिलता है। तो यहाँ पर भी ट्रैकिंग करनी पड़ती है, लगभग 700-800 मीटर पहाड़ों में चढ़ना होता है। रास्ता बहुत अजीब है, थोड़ा सा पथरीला है, पत्थर बहुत मिलेंगे तो आसानी से चले। पटना वाटरफॉल भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ पर जो वाटरफॉल है वो एक फ्लो के साथ नहीं आता बल्कि फवारे के साथ आता है, फाउंटेन की तरह आता है, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं जो 14 नंबर में हमने एक मंदिर रखा है वो है पार्वती माता मंदिर। वैसे तो जब आप नीलकंठ मंदिर की यात्रा करेंगे उसी समय आपको पार्वती माता मंदिर के दर्शन कर लेना चाहिए क्योंकि नीलकंठ महादेव मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के आसपास पार्वती माता जी का मंदिर पड़ता है। आप यहां पर जाकर दर्शन कर लें, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जाने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक एकांत जगह पर है, एक छोटे से गाँव में ये मंदिर स्थित है, बहुत ही शांत यहाँ का माहौल है। उसके बाद हम आपको ले चलते हैं 15वें नंबर पर। 15 नंबर में मैंने रखा है झिलमिल गुफा और गणेश गुफा। जब आप नीलकंठ मंदिर जाते हैं, पार्वती माता मंदिर जाते हैं तो फिर झिलमिल गुफा को क्यों छोड़ना। झिलमिल गुफा जो है पार्वती माता मंदिर से लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास है, पैदल ट्रैकिंग भी है, बाकी रोड का रास्ता भी है, लेकिन रोड से जाएंगे तो आप और मंदिर के करीब हो पहुंच जाएंगे। उसके बाद ट्रैकिंग करते हुए झिलमिल गुफा और गणेश गुफा तक पहुंच सकते हैं। तो ये ध्यान रखें जब आप नीलकंठ महादेव मंदिर जाएं तो पार्वती माता मंदिर, झिलमिल गुफा, गणेश गुफा एक साथ कर सकते हैं। ज़्यादा समय
झिलमिल गुफा में ही लगेगा जब आप पैदल चलेंगे, लेकिन थोड़ी थकावट हो जाती है तो आप समय लेकर जाएं ताकि आसानी से सभी जगह की यात्रा कर लें। अगर कोई जगह छूट गई है या हमने ध्यान नहीं दिया है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। हो सकता है कोई ऐसा जगह हो जो हमसे छूट गई हो, आप लोगों को पता हो कमेंट करिएगा। अगर कोई सवाल है इन 15 स्थानों के बारे में जानने के लिए तो इंस्टाग्राम में हमें मैसेज करें। इंस्टाग्राम आईडी जो है मुकेश हेल्प नाम से है। हम आपको इन 15 में से हर एक स्थान के बारे में पूरी जानकारी दे देंगे। आज की वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, क्योंकि ऋषिकेश के 15 स्थान अगर ये घूम लेते हैं तो ऋषिकेश की यात्रा जो है कंप्लीट मानी जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करने के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही हरिद्वार ऋषिकेश चारधाम यात्रा से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखें, ऐसे ही हम आपको दर्शन कराते रहेंगे, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। तो आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी।